सीरिया के हवाई हड़ताल वीडियो, अमेरिका और ब्रिटेन के हमले पर असद गैस हमले का बदला लेने के बाद रासायनिक हथियार प्रयोगशालाओं को सुगंध दिखाता है। पिछले हफ्ते नागरिकों के खिलाफ रासायनिक युद्ध के उत्पीड़न के बाद यूएस और फ्रांस में शामिल होने के कारण क्रूज मिसाइलों का एक अड्डा सीरिया शासन की जहर गैस की सुविधा पर बारिश हुई थी। डूमा में नागरिकों पर जहर की गैस के हमले के जवाब में पश्चिमी हवाई हमलों की एक रात के बाद सीरिया में एक बम फंसाने वाले रासायनिक संयंत्र को दिखाने के लिए यह पहला फुटेज है। रूसी सरकार द्वारा नियंत्रित स्पुतनिक न्यूज द्वारा जारी किया गया वीडियो चतुराई वाली इमारतों को दिखाती है जो क्रमास मिसाइल ब्लिट्स के बाद देश भर में मलबे के लिए लक्ष्य को कम करने के बाद दमिश्क में एक शोध सुविधा के अवशेष बताए गए हैं। आरएएफ ने पिछले हफ्ते कम से 75 लोगों की मौत के बाद जहरीली गैस के हमले के बाद बुराई बशर अल असद के रासायनिक हथियारों की क्षमता पर हमले की तैयारी में अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं से जुड़ लिया था। जैसा कि 2 सितंबर को सीरिया समय पर हवाई हमलों का सामना करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप एक राक्षस के बुरे और नीचे अपराधों को सैन्य गठबंधन की प्रतिक्रिया की घोषणा करने के लिए टीवी पर दिखाई दिया। पिछले साल एक सीरिया के बेस पर अमेरिकी हवाई हमले के फायर पावर से 2 गुने से भी अधिक एक बार की गोली में 100 सेकेंड अधिक हवाई हमलों की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित सुबह ट्विटर पर ले जाकर ट्रंप ने मिशन पूर्ण की घोषणा की, पूरी तरह से निष्पादित हड़ताल की प्रशंसा की और उनके भाग के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक इस दोपहर को आयोजित की गई जहां गठबंधन ने हवाई हमलों पर अन्य सहयोगियों को बताया। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी प्रतिनिधि निकी हेली ने कहा, हम जो लक्ष्य चुनते थे वह सीरिया शासन के अवैध हथियार कार्यक्रम के केंद्र में थे। अमेरिका लॉक और लोड होता है, जब हमारा राष्ट्रपति लाल रेखा खींचता है तो वह लाल रेखा को लागू करता है, फ्रेंच विदेश मंत्री जॉन वेस्ले ड्रियन ने कहा। इसके रासायनिक शस्त्रागार का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। पिछली रात की हमले में बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री एडेसा ने कहा था कि सीरिया पर क्रूज मिसाइल हमलों का आदेश देने के लिए सही और कानूनी था कि असमा के शासन में डोमा के घेरे वाले शहर में रासायनिक हमले के आक्रोश के पीछे था। डाउनिंग स्ट्रीट प्रेस सम्मेलन में बोलते हुए श्रीमती मई ने कहा कि सीरिया के अधिकारियों को और अधिक रासायनिक हमलों से रोकना और व्यापक दुनिया को एक संदेश भेजने का उद्देश्य था कि हथियारों का उपयोग अस्वीकार्य था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रासायनिक हमलों की रिपोर्टों के प्रति जवाबी घोषित करने के बाद शक्ति के उपयोग के लिए कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं था। ब्रिटेन ने 4 रॉयल एयरफोर्स टोर्नाडोज का उपयोग किया था, जो उन्होंने होम्स में रासायनिक हथियारों की सुविधा पर हमला करने के लिए आकृति साइप्रस में ब्रिटिश आरएएफ बेस से शुरू किया था, क्योंकि जेट विमानों तूफान छाया मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि युद्धपोत सीरिया के हवाई रक्षा रडार से स्पष्ट रहने में सक्षम थे। उसी अमेरिकी सेना में कतार में अल यूदेजा बेस से बीरन एक बीलांसा बमबारी तैनात किए गए थे। टॉमहॉक मिसाइलों ने मिसाइल विध्वंसक यूएसएस स्मोल्डरी से भूमध्य रेखा पर लंगर डाला। फ्रांस ने जर्जान के आधार से मिराज और राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और इसके 4 फ्रिगेट युद्धपोतों ने 12 क्रूज मिसाइलों को निकाल दिया। आज सुबह संवाददाताओं से बात करते हुए श्रीमती मई ने कहा कि सीरिया पर सैन्य हमले सीमित और लक्षित थे और सीरिया के शासन को रासायनिक हथियारों के विकास और उपयोग करने की क्षमता को नीचा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने कहा, सीरिया के शासन की रासायनिक हथियारों की क्षमता को कम करने के द्वारा मानवतावादी पीड़ा
को कम करने के लिए हमारे सबसे करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई करने के लिए यह सही और कानूनी था। हम रासायनिक हथियारों के उपयोग को सामान्यीकृत बनने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, या तो सीरिया के भीतर यूके या कहीं और की सड़कों पर। यह पूछे जाने पर कि क्या हमले रूस के लिए भी चेतावनी थे, प्रधानमंत्री ने कहा, कल रात हुई कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई थी जो परिचालन क्षमता और सीरिया शासन की इच्छा को रासायनिक हथियारों का उपयोग जारी रखने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। कई उदाहरण हैं जब हमने उन्हें उन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह अन्य लोगों के लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दखल के साथ खड़े होने और रासायनिक हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है। श्रीमती मई ने कहा था कि हाल ही के दिनों में रासायनिक हथियारों का उपयोग सब कुछ अक्सर किया गया था। मुझे लगता है कि यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आ गया है और कहा है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पेंटागन ने कहा कि तीन साइटों पर हमले सटीक, भारी और प्रभावी थे। हालांकि यह स्वीकार किया कि वे कई अन्य रासायनिक हथियार सुविधाएं नहीं थीं, जिन्हें उन्होंने नहीं मारा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था, इस ऑपरेशन में शामिल किसी भी विमान या मिसाइल में से कोई भी सफलतापूर्वक सीरियाई वायु रक्षा से जुड़ा था। पेंटागन के प्रवक्ता डैन व्हाइट ने कहा कि हवाई हमलों को भविष्य में रासायनिक हथियारों का उपयोग करने के लिए सीरिया की क्षमता को अपंग करना शुरू किया गया था और सफलतापूर्वक हर लक्ष्य को प्रभावित किया था। सुश्री वाइट ने जोर दिया कि हमलों ने अमेरिकी नीति में परिवर्तन या सीरिया शासन को हटाने का प्रयास का प्रतिनिधित्व नहीं किया और यह कि यूएस फोकस आईएसआईएस को हराने के लिए था। उसने कहा, सभ्यता सीरिया में क्या हुआ है यह नहीं दे सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ऐसे गंभीर उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकते। पेंटागन का कहना है कि रूसी व्यभिचार अभियान पहले 24 घंटों में रूसी ट्रोल में 2000% वृद्धि के साथ पहले ही शुरू हो चुका है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने आज सुबह एक बयान में कहा कि यह संदेह नहीं था कि सीरिया शासन अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए दोषी थे। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने फ्रांसीसी सशस्त्र बलों को आज रात को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ गठबंधन में एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में और सीरिया शासन के गुप्त रासायनिक शस्त्रागार के खिलाफ निर्देशित किया। हमारी प्रतिक्रिया रासायनिक हथियारों के उत्पादन और उपयोग से संबंधित सीरिया शासन की क्षमताओं तक ही सीमित है। हम रासायनिक हथियारों के उपयोग की क्षुद्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो सीरिया के लोगों और हमारे सामूहिक सुरक्षा के लिए एक तात्कालिक खतरे है। नाटो के महासचिव जैन स्टोल्टनबर्ग ने आज सुबह कहा था, मैं सीरिया के शासन के रासायनिक हथियारों की सुविधाओं और क्षमताओं के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा उठाए गए कार्यों का समर्थन करता हूं। यह रासायनिक हथियारों के साथ सीरिया के लोगों पर हमला करने के लिए शासन की क्षमता को कम करेगा। नाटो ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और समझौतों के उल्लंघन के रूप में सीरिया के रासायनिक हथियारों के लगातार इस्तेमाल की निंदा की है। रासायनिक हथियारों का उपयोग अस्वीकार्य है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह होना चाहिए। एक बयान में यूरोपीय संघ ने सभी देशों, विशेष रूप से रूस और ईरान पर उनके प्रभाव का उपयोग करने के लिए रासायनिक हथियारों के आगे उपयोग को विशेष रूप से सीरिया शासन द्वारा रोकने के लिए कहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमले एक आक्रामकता का कृत्य थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव होगा। लेकिन श्रमिक नेता और प्रतिबद्ध शांतिवादी जेरेमी कोर्बिन ने भी हमलों की निंदा करते हुए दावा किया कि वे कानूनी तौर पर संदिग्ध थे और प्रधानमंत्री को बहस करने के लिए संसदीय अनुमोदन मांगना चाहिए था। प्रतिबद्ध विरोधी युद्ध प्रचारक विपक्ष के नेता बने ने कहा कि ब्रिटेन को वाशिंगटन से निर्देश नहीं लेना चाहिए और ब्रिटिश सैन्य कर्मियों को हानि के रास्ते में डाल देना नहीं चाहिए। श्रीमती मई सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष उपस्थित होंगे, जो हवाई हमलों में शामिल होने के फैसले की व्याख्या करेंगे। रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत वासिली नेबंजिया ने कहा कि उनके साथ ही सुरक्षा परिषद के सदस्य हमलों थे, जिन्होंने हमलों को चलाने के लिए आमदनी आंसू बहादुर करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सामान्य अमीरों की पीड़ा से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, सन की तिरस्कार की निंदा में पश्चिमी देशों के एक समूह ने कार्रवाई करने का फैसला किया। यह सुनकर शर्मनाक था कि आक्रामकता को न्यायोचित करने में अमेरिकी संविधान के एक लेख का उल्लेख किया गया था। यह सब एक ऐसी योजना पर आधारित है जो अच्छी तरह से कोशिश कर रहा है। क्या आप इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को आप आयोजित करना चाहते हैं? यह गुंडागर्दी है। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने सीरिया पर अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमले को सैन्य अपराध कहा। एक भाषण में खमेनेई ने कहा, आज सीरिया पर भोर का हमला अपराध है, स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपराधी हैं। वे पिछले वर्षों में इराक, सीरिया और अफगानिस्तान गए थे, इसलिए वे हमले से लाभ नहीं लेंगे और ऐसे अपराध किए और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान पूरे विवाद में विद्रोहियों के खिलाफ असद के सबसे सहायक सहयोगी रहे हैं। इसने लड़ाकों का समर्थन किया है और विद्रोही अग्रिमों को दूर करने में मदद की है और 2015 में रूस के युद्ध में प्रवेश के बाद उस गृह युद्ध की ज्वार को दूर करने में मदद मिली, जो अब तक कम से कम मारे गए हैं। इस बीच एक विचित्र वीडियो सीरिया के राज्य नियंत्रित टीवी पर प्रदर्शित हुआ, जिसमें असद दिखा रहा था कि काम करने के लिए शांति से एक छोटे से मामले को पकड़ने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था, ताकि स्पष्ट रूप से यह दिखाया जा सके कि वह खुद को सामान्य नेता के रूप में कारोबार कर रहा था। सीरिया प्रेसिडेंसी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जो कि असद को अमेरिका के हवाई हमलों के शुरू होने के कुछ घंटों के बाद काम करने के लिए दिखाई देता है। बस कुछ ही घंटे पहले असद के दास्ता डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डे की घोषणा करने के लिए टीवी पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मैंने संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों को सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की रासायनिक हथियारों की क्षमता से जुड़े लक्ष्य पर सटीक हमलों का प्रक्षेपण करने का आदेश दिया था। हमारे कार्यों का उद्देश्य आज रात रासायनिक हथियारों के उत्पादन, प्रसार और उपयोग के खिलाफ एक मजबूत निवारक स्थापित करना है। यह बुराई और नीच कार्य माताओं और पिता और बच्चों को दर्द में पीड़ित और हवा के लिए हम्फी छोड़ दिया। उन्होंने ईरान और रूस को भी एक कड़ा संदेश भेजा, जिसमें कुछ डर से तनाव बढ़ने से विश्व युद्ध 3 हो सकता है। उन्होंने कहा, कौन सा देश निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की सामूहिक हत्या के साथ जुड़ा हुआ है? कोई भी राष्ट्र दुष्ट राज्यों और तानाशाहों को बढ़ावा देने से सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, रूस को यह तय करना होगा कि क्या इस अंधेरे रास्ते पर चलना है या फिर सभ्यता पर वापस जाना है। ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस के सैन्य बलों के समर्थन के साथ सीरिया पर अमेरिकी हवाई हमलों की घोषणा की। ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस के सैन्य बलों के समर्थन के साथ सीरिया पर अमेरिकी हवाई हमलों की घोषणा की। ट्रंप ने रूस और ईरान को चेतावनी दी थी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और रूस को एक संदेश भेजता है और राष्ट्रपति पुतिन को अपने वादे न रखने के लिए कहता है। अमेरिकी संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल जोसेफ डोनफोर्ड ने पेंटागन में संवाददाताओं से कहा कि संबद्ध हमलों के पहले बयान में अधिक हथियारों के विकास और उत्पादन में शामिल दमिश्क में वैज्ञानिक शोध केंद्र था, दूसरा होम्स के पश्चिम में रासायनिक हथियारों के भंडारण की सुविधा में था, जबकि तीसरा भंडारण सुविधा और महत्वपूर्ण कमन पोस्ट था। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सीरिया शासन के लिए एक झटका लगा होगा। वे साल के अनुसंधान और विकास, भंडारण और उपकरण खो देंगे। अमेरिका के नेतृत्व वाली हवा हमलों द्वारा इन ठिकानों को भी लक्षित किया जा सकता है। रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने कहा कि पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरियाई रासायनिक हथियारों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हड़ताल की घोषणा के एक घंटे बाद उन्होंने पेंटागन में पत्रकारों को बताया, चित्रा सीरिया में घुसपैठ से लौटने वाले जेट में से एक है। एक आरएएफ लड़ाकू जेट पर एक मिसाइल भरी हुई है। मैटिस संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ कहते हैं, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने 2017 में एक रासायनिक हमले के बाद जब हवाई हमले शुरू किया, संदेश नहीं मिला। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह माना जाता है कि हमला एक सफलता था, लेकिन सीरिया के मीडिया ने कहा कि मिसाइल हमले में 3 निर्दोष नागरिक घायल हुए थे। नाइटस्कोप वीडियो दमिश्क पर मिसाइलों का दिखाता है, क्योंकि सीरिया में रासायनिक हमले के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन ने हवाई हमलों की शुरुआत की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस को यह तय करना होगा कि किन किनारे लेना है, और कहता है कि अमेरिका में बहुत कुछ है। रक्षा सचिव गेविन विलियमसन ने कहा, हम महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों को मारकर मारने और पीड़ित होने के लिए खड़े नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कानूनी और आनुपातिक सैन्य बल के साथ निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दी है। श्रीमती मे के कैबिनेट ने 2 घंटे की बैठक के बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के लिए हरे रंग का प्रकाश दिया। हमने कल पता चला कि राष्ट्रपति सीरिया में 8 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर तरह के हमले की तैयारी कराना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनके पास सबूत हैं कि बशर अल-असद ने अपने ही लोगों को जकड़ लिया। अमेरिका के सूत्रों ने दावा किया कि अमेरिका कई सीरिया के हवाई क्षेत्र, एक शोध केंद्र और एक रासायनिक हथियार सुविधा सहित कई साइटों पर हमला कर रहा था। रहस्य उद्घाटन के रूप में 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह के अंत में डोमा में घातक रासायनिक हमले के 70 पीड़ितों में से कुछ के रक्त और मूत्र के नमूने बताते हैं कि क्लोरीन गैस और एक तंत्रिका एजेंट का पता चला है, संभवतः सरीन। फ्रांस के राष्ट्रपति मोनुएल मैक्रोन ने अलग से जोर दिया कि पश्चिम में सबूत असद डोमा नरसंहार के पीछे था। असद शासन की सेना ने कथित तौर पर डोमा में जहरीला गैस के हमले के बाद सीरियाई बच्चों को चिकित्सा उपचार प्राप्त किया, और उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका हमारे चयन के एक समय में जब हम सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे प्रभावी होने का निर्णय लेंगे तो जवाब देंगे। आतंकवादी हमलों के भय के लिए न्यूयॉर्क के आसपास आतंकवाद विरोधी दस्ते तैनात किए गए हैं। टोरी सांसदों ने सूर्य को यह भी बताया कि वे सैन्य हमलों को वापस करेंगे, जिसमें कई तरह के टोरीज शामिल हैं, जिन्होंने 2013 में कार्रवाई के खिलाफ मतदान किया था। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के साथ 2 अमेरिकी नौसेना के विनाशकारी स्थिति और साथ ही जेट्स और एसओएस भी हैं। मध्य पूर्व के सूत्रों ने कहा कि बशर अल-असद ने सीरिया में ईरान के लिए अपने महल को छोड़ दिया था।
रूस के साथ उनका निकट सहयोगी। सीरिया की सेना को रूसी नियंत्रित हवाई क्षेत्र में विमानों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया था कि वॉशिंगटन इन्हें अकेले छोड़ देंगे। क्रेमलिन ने कहा कि सीरिया में रूसी और अमेरिकी सेना के बीच एक हॉटलाइन सक्रिय था। एक पूर्ण विकसित युद्ध में बढ़ते हुए किसी भी तरह के प्रतिरोध को रोकने के लिए एक बेताब प्रयास की एक संकेत है। रूस ने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कट्टरपंथीय युद्ध का रुख अपनाया और दोनों तुर्की राष्ट्रपति रसीप एर्दोगान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। पिछली रात रूस ने आज के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने कहा कि उनका शीर्ष राजनयिक प्राथमिकता एक पूर्ण संघर्ष को टालना था, हालांकि उसने इसे शासन नहीं किया था। हम आपकी कहानियों के लिए भुगतान करते हैं। क्या आपके पास सूर्य ऑनलाइन समाचार टीम की कहानी है? हमें टिप्स आयोजक चिन्हसन .co.uk पर ईमेल करें या 02077824368 पर कॉल करें। आप हमारे पास 07810791502 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम वीडियो के लिए भी भुगतान करते हैं। अपना अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ट्रंप ने कहा, एक राक्षस की बुराई और घृणित अपराध। ट्रंप एक यौन शिकारी के रूप में खुद के बारे में बात कर रहा है। मेरे लिए किसी भी अन्य सीरिया के शहर केंद्र की तरह लग रहा है, शर्त है कि सस्ते कट्टर पर एक बहुत अच्छा सौदा मिल सकता है। रूस की स्टील डिफेंस सिस्टम की अंगूठी और दमिश्क में यह रासायनिक संयंत्र यह है कि जहां वे सामान बनाते हैं जो सभी ज्ञात रोगाणुओं का 99% मारता है। मुझे संदेह नहीं है कि उन्होंने कुछ इमारतों पर बमबारी की थी, लेकिन पहले इस प्रयोगशाला का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। क्या वे इसे पिछले सप्ताह या कुछ और बनाते हैं? यदि यह एक असली प्रयोगशाला थी तो आप उन सच्चाई के उन गढ़ों की अपेक्षा कर सकते थे, जबकि हेलमेट्स ने साल पहले यह निंदा की थी। यह प्रयोगशाला नहीं थी और कभी नहीं किया गया है। अमेरिका को फिर से सम्मिलित किया गया है। सभी मृत बच्चों, किसी भी हमले के बाद हम हमेशा गंदे बच्चे को देखते हैं। मैंने 3 अलग-अलग इलाकों से 3 बार एक ही बच्चे को देखा है और 3 अलग-अलग स्थितियों में शामिल है। क्या सीरियन क्लोनिंग में है? वे मेरे लिए पिछले रातों की तरह दिखते नहीं हैं, वे पुराने लोगों की तरह दिखाई देते हैं। अक्सर आपको कई नटेज और लोगों को एक ही समय में वास्तविकता और अंग्रेजी पोस्टिंग पर केवल एक काम पकड़ के साथ मिलता है।